भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद रो पड़े के एन विलियमसन और फिर टीम इंडिया के ऊपर दिया बड़ा बयान, कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर सभी रह गए हैरान। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तमाम जानकारी। आखिरकार इस मुकाबले को हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान के एन विलियमसन ने टीम इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को किस तरह से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि यहाँ पर के एन विलियमसन के बयान का पूरा वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के महामुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। टॉस जीता, फील्डिंग चुनी और पहले न्यूजीलैंड की टीम को 50 ओवर में ऑल आउट किया। 273 रनों पर इस टीम को रोक दिया। हालांकि इस टीम में भी बेहतरीन पार्टनरशिप रही थी रचिन रविंद्रा डेरिल मिचेल की, लेकिन जब यह पार्टनरशिप टूटी तो इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी करी और न्यूजीलैंड की टीम को ढेर करते हुए इतिहास रच दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने जब पारी को संभाला 274 रनों के टारगेट का पीछा किया तो टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने भी कमाल किया। तो वहीं पर इसके बाद रन चेसमैन विराट कोहली मैदान पर आए, उनका साथ जडेजा ने भी बेहतरीन दिया। अय्यर ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया तो लोकेश राहुल की पारी भी दमदार रही थी। यानी कि भारतीय टीम ने आज के इस महामुकाबले में 48 ओवर में अपने 6 विकेट खोए और टारगेट को चेस करते हुए 4 विकेट से मुकाबले को जीता। लेकिन जब भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता तो न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से हैरान रह गई और यहां पर कप्तान के एन विलियमसन ने भी हैरान होकर टीम इंडिया के ऊपर बड़ा बयान दिया। केन विलियमसन ने कहा कि यह हमारी सबसे शर्मनाक हार होगी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो कि एक बेहतरीन टीम मानी जाती है और सबसे खतरनाक टीम में से हमारी एक टीम का नाम आता है जो कि भारतीय टीम को हराने का दावा रखती है, लेकिन फिर भी हमारी टीम इस मुकाबले को नहीं जीत सकी और यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने जीता। हिटमैन रोहित शर्मा की रणनीति को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। और इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि टीम इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है, भले ही 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमने टीम इंडिया को हराया था लेकिन वो समय अलग था जब 2019 साल की बात है, उसके बाद भारतीय टीम पूरी तरह से बदल चुकी है। टीम इंडिया के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं जो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से लगाकर लोअर ऑर्डर में भी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। गेंदबाजी इस टीम की दमदार रह चुकी है जिसकी वजह से अब हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि भारतीय टीम के खिलाफ एक बार फिर सेमीफाइनल का मुकाबला हो और इसके बाद हम चाहेंगे कि फाइनल का मुकाबला भी हम दोनों टीमों के बीच देखने को मिले, और अगर भारतीय टीम एक बार फिर हमारे सामने आती है तो फिर हम भारतीय टीम को हराने का पूरा दावा रखेंगे और रोहित शर्मा की रणनीति को समझकर हमें उन्हें उनकी घरेलू सरजमी पर हरा कर वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का दावा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच पर टीम इंडिया को हरा पाएगी, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को इसी तरह से हरा कर इतिहास रच देगी? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।